हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तौफीक और आज हम बात करने वाले हैं रेंज रोवर वेलार की, जो कि 2019 में लॉन्च होने वाली है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे और आपको कुछ जानकारियां देंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्सटीरियर से, एक राउंड आपको दिखाएंगे फुल एक्सटीरियर कैसा है। उसके बाद हम इंटीरियर पर जाएंगे, बाद में आपको इंजन पावर और उसके बाद में आपको प्राइस भी बताएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को आखिरी तक देखिए। और आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, सबसे पहला, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाल कलर का बटन सब्सक्रिप्शन का ठीक नीचे प्रेस कर दें, साथ में घंटी को भी बजाना ना भूलें ताकि आपको मिल सके मेरे वीडियो सबसे पहले। तो फिर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं इसके फ्रंट लुक से और शुरू करते हैं। ये देखिए आप, इसकी स्मार्ट की है जो कि बाहर से अनलॉक करने काम आती है। तो आप अनलॉक करने पे इसकी टेल, आपकी हेडलाइट और डे टाइम रनिंग लाइट ऑन हो जाती हैं। और इसकी हेडलाइट में एक अच्छा फीचर्स है कि 100% ये हेडलाइट्स LED हैं और साथ में नीचे फॉग लैंप भी दिया हुआ है और फॉग लैंप के हाउसिंग में ऑरेंज कलर का इंसर्ट दिया हुआ है और साइड में भी कुछ ऑरेंज कलर का इंसर्ट दिया हुआ है। और 21 इंच के अलॉय व्हील साथ में आते हैं इसके टॉप मॉडल में। और आप इसका RPM देख सकते हैं जो कि ब्लैक कलर का है और बहुत ही स्लीक इंडिकेटर दिया हुआ है साथ में इसके। तो ये आपकी डायनेमिक का बैज लगा हुआ है। और आप इसके डोर हैंडल हैं जो अनलॉक लॉक करने पे ही पुल और पुश होते हैं, जो बाहर आते हैं और अंदर जाते हैं। जब आप इसको अनलॉक करेंगे चाबी से तो बाहर आएंगे अंदर जाएंगे। और बाहर से देखिए इसका बैक लुक जो कि एक काफ़ी लार्ज टेल लैम्प के साथ है जो साइड से शुरू होता है और पीछे तक आता है, यू शेप में है। और आप इसका जो करेक्टर लाइन है जो कनेक्ट करती है हेडलाइट से टेल लैम्प को। और इसकी मल्टी स्पोक अलॉय व्हील बहुत ही खूबसूरत दिखती है बाहर से, जो आप देख रहे हैं कि बाहर से कितनी खूबसूरत मल्टी स्पोक अलॉय व्हील है। तो देखिए आप इसके पूरे फ्रंट से काफ़ी मस्कुलर लुक के साथ आती है रेंज रोवर और काफ़ी हैवी है सामने से। और हनीकॉम ग्रिल है काफ़ी बड़ा और साथ में उसके ऊपर रेंज रोवर का बड़ा बैज लगा हुआ है, लिखा हुआ है, जो स्टील से आता है। चलिए देखते हैं इसके अंदर से क्या फीचर्स हैं और थोड़ा इसके अंदर से भी जानते हैं। और इस हैंडल को आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी आप कीलेस एंट्री भी है तो साथ में आप अपनी फिंगर का इस्तेमाल करके भी इसको बाहर कर सकते हैं। तो ये देखिए ये बाहर आ गया और हम आप चलते हैं अंदर। और सबसे पहले देखते हैं इसका डोर। हाँ, इसका डोर देखिए जो कि ड्यूल टोन में है, साथ में एक बहुत ही अच्छा स्पीकर लगा हुआ है और सारे कंट्रोल्स विंडो के डोर में ही हैं। और ये देखिए आप फर्स्ट एडिशन का ट्रेड। और ये हम पीछे वाला डोर खोल के देखते हैं, स्पेस है काफ़ी डोर हैंडल के नीचे, तो जिसमें बॉटल रख सकते हैं। और पीछे की सीट्स भी काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ हैं। और ये ड्यूल टोन में है जिसका ब्लैक और वाइट लेदर के साथ में आती है और काफ़ी अच्छा स्पेस है। स्पेस के मामले में कभी भी रेंज रोवर पीछे नहीं होती है क्योंकि रेंज रोवर एक बड़ी कार है और स्पेस काफ़ी हद तक अच्छा है। तो चलते हैं अंदर। और ये सीट देखिए आप, इसका आप हेडरेस्ट देखिए, उसके साथ में एक एक्स्ट्रा पिलो लगा के दिया है जो काफ़ी अच्छा है कुशनिंग में। और हीटेड सीट है जो कि आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, गर्म और ठंडा जैसा आप चाहें तो उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये आप साइड में देख सकते हैं, लाइट का भी हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे कैसे भी करना है। और हम अंदर जाते हैं और देखते हैं, ये स्टीयरिंग व्हील है जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल लगे हुए हैं और जो कि न्यू जनरेशन फीचर्स के माउंटेड कंट्रोल लगाए हुए हैं, एक्स्ट्रा अलग से इंटीग्रेटेड नहीं है। तो बंद करके देखते हैं। और काफ़ी साइलेंट इसका कैबिन है और आप देखिए सामने से कैसा लग रहा है आपका स्टीयरिंग व्हील। और दोनों तरफ से मोबाइल टाइप के लगे हुए हैं और ये आपको ऊपर 10 इंच का स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, सेंटर कंसोल अच्छा है। और ये आपके पास
ये ग्लोव बॉक्स देखिए, छोटा ही है, नॉर्मल है, डिसेंट है। और सामने हम देखते हैं, स्टार्ट करके चार्ज चेक करके आप चेक कर सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ, ये हमने अभी स्क्रीन सामने आ गई है सारी आपकी, तीन जगह में एलईडी स्क्रीन फुल एचडी के साथ लगाई हुई हैं। पहले आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम, उसके नीचे भी काफ़ी बड़ा स्क्रीन के साथ दिया हुआ है जहाँ पे हम सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। और ये है आपका माउंटेड कंट्रोल जो कि फुल टच है, तो मोबाइल का जैसा ही यूज़ कर सकते हैं आप। और ये आपका है स्पीडोमीटर, एक तरफ स्पीडोमीटर है, दूसरी तरफ आरपीएम है। और काफ़ी फीचर्स हैं इसमें जो कि हम लोग जब गाड़ी यूज़ करेंगे तो सारे फीचर समझ में आएंगे, ऐसा ही हम नॉर्मल देख लेंगे। फुल स्क्रीन मैप है, इन्फो इस पैनल है, और ये आप देखिए नेविगेशन है, आ गया है। तो नेविगेशन देख सकते हैं, यहाँ से चालू कर सकते हैं, आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से सारा कुछ। तो आप काफ़ी अच्छा और ख़ूबसूरत है ये देखिए, आपके पास काफ़ी ऑप्शन है, इन्फो पैनल, फुल स्क्रीन जो अभी हम लोग देखे गए हैं वही है ये सारे। तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट, आपको जो फीचर चाहिए वो आप स्टेयरिंग से यूज़ कर सकते हैं, आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं अपनी स्टेयरिंग से। तो आगे देखिए, मीडिया मीडिया व्यू और फुल मैप, और ये फुल मैप आ गया आपके सामने, इसमें भी आपको काफ़ी ऑप्शंस हैं। और ये देखिए आप इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम में स्क्रीन पे जो ब्लर कर रहा है, ये ब्लर इसका प्रॉब्लम नहीं है, ये अपने कैमरे का प्रॉब्लम है मेरे। तो ये देखिए आप यहीं से आप इसका वाइब्रेशन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तो स्क्रीन का लाइट्स तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं ये, इधर से भी आप नेविगेशन आप लगा सकते हैं, इसमें भी नेविगेशन का ऑप्शन है, फ़ोन का कनेक्टिंग और कनेक्टिविटी साथ में है, ब्लूटूथ है, और वीडियो कैमरा भी है जो कि आपको पूरी गाड़ी का एक व्यू दे सकता है ऊपर से। काफ़ी अच्छा फीचर्स है। और ये आपके बाकी कंट्रोल्स हैं, तो नीचे उसके दिए हुए हैं एसी कंट्रोल्स, और यहाँ से आप अपने गाड़ी के जितने न्यू फीचर्स हैं वहाँ से कंट्रोल, यहाँ से कंट्रोल होंगे। तो ये देखिए आप इको मोड पे चला सकते हैं, आप स्पोर्ट मोड पे चला सकते हैं यहाँ से। और ये आप देखिए, यहाँ से आप नॉब से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इनको नॉब से भी यूज़ किया जा सकता है, टच नहीं करना चाहते तो आप इन दो नॉब से भी आप अपना काम ले सकते हैं। तो और बाकी रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है टच का, और होना भी चाहिए क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी में रिस्पॉन्स तो अच्छा होना ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी फीचर्स हैं जो कि इतनी जल्दी समझ में आने वाले नहीं हैं। कुछ फीचर्स हैं साउंड क्वालिटी, और ये आपकी सीट आ गई है, ये आप सीट अपने हिसाब से, हीट और कूल का ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कितना आपको हीट और कूल चाहिए, उस हिसाब से आप सीट एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक न्यू फीचर्स भी है इसमें, मसाज का ऑप्शन भी है सीट में जो आपको मसाज देगा, तो गाड़ी के अंदर आप बैठ के आनंद ले सकते हैं मसाज का भी। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने 21 का रख दिया है टेम्परेचर, और आपको फुल गाड़ी का पूरा सिस्टम, आप ये सेंट्रल कंसोल देखिए, यहाँ पे भी बटन लगा हुआ है गियर का, ऑटो ऑटो कार है आपकी। और ऊपर देख लीजिए काफ़ी स्पेस दिया हुआ है ऊपर भी, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है और अच्छी होएगी। 1 करोड़ से 2 करोड़ के 75, 1.75 लाख के अंडर में ये गाड़ी आती है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी थी, अब हम देख लिए हैं। और ये आप एक बार फिर से सामने का लुक देख सकते हैं, और हमने अब इसको लॉक कर दिया है। तो ये था एक लुक रेंज रोवर विलार का जो पूरा कैप्चर किया हुआ है। तो अभी कई जानकारियां हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं, इस वीडियो में नहीं कैप्चर हो पाई हैं, तो बाकी जानकारियां 2019 आने के, लॉन्च होने के बाद में इंशाल्लाह पूरी इसका एक रिव्यू बनेगा। तो ये था एक वॉक अराउंड रिव्यू, और इसका प्राइस हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो आप बाद में पढ़ सकते हैं कि इसका क्या प्राइस है और कौन से मॉडल का कितना प्राइस है। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन ठीक लाल कलर के नीचे है अभी दबा दें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, यानी वो घंटी भी बजा दें ताकि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देख सकें, और हम आपको एडवांस फीचर वाली कारों का सबसे पहले रिव्यू और वॉक अराउंड दे सकें। तो प्लीज़ मेरे मुझे सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।